दिस इज द मॉर्निंग व्यू. देखो बाहर का हालत, इट्स लाइक 50 मीटर्स विजिबिलिटी. हम लोग का बैल्कनी का व्यू कुछ इस तरह से, जो अभी फिलहाल पूरा कोहरा दिख रहा है. The fall is coming, I can't feel it. बहुत क्लीन होना बाकी है एंड ये भी चला ही जाएगा ये फर्नीचर. दिस इज गोइंग टू बी द यूटिलिटी एरिया और ये हमारा बेडरूम का डोर आ गया. Tonight the whiskey feels stronger. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग. आज है अनलोडिंग एंड अनपैकिंग डे और सुबह का अभी आई गेस 8 बज रहा है एंड मौसम बाहर में कुछ इस तरह से है, कम्प्लीटली कोहरा और मैं अपने बैल्कनी से ही स्टार्ट कर रही हूँ. और अभी ट्रक आने में नेक्स्ट हाफ एन आवर में सारा ऊपर शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगा एंड इट विल टेक टाइम क्योंकि यहाँ पे सर्विस लिफ्ट नहीं है और लोगों को लिफ्ट करके लाना पड़ेगा सीढ़ी से ही, तो दैट्स अ प्रॉब्लम. बट वी हैव सम स्ट्रॉन्ग मैन जो ये सारा चीज़ कर सकते हैं एंड यस, आज का व्लॉग, आज का दिन बाय द वे बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है, बहुत सारा काम है. चलिए आज का दिन का शुरुआत करते हैं. बदमाशी स्टार्ट एंड यहाँ पर सामान आना स्टार्ट हो चुका है धीरे धीरे. मेरे सारे पौधे थोड़े पहुँच गए ठीक ठाक कंडीशन में. आई एम सो हैप्पी फॉर दैट. बट लेट्स सी, कुछ कुछ तो पॉट से निकल गए हैं बट मैं रिपॉटिंग करूँगी तो हो जाएगा. फर्स्ट थिंग मेरा मॉन्स्टर ना हो गया. आई एम सो हैप्पी. इस मौसम में मैं ये शिफ्टिंग का सब काम कर रही हूँ ना, मानना पड़ेगा. गोवा में गर्मी हो रही थी एंड दिल्ली में ठंड, बट आई एम सो हैप्पी टू बी बैक Delhi again. Helps me slow down. Thinking back to my heart is full and aching strong. Urban cafe भैया आपको बेडरूम से स्टार्ट कीजिएगा. देख लो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. हमारे सामान के साथ ना चूहों का खानदान आ गया है, 3-4 चूहे सामान के साथ. It's 2:07
जो स्पीड में अभी ये काम हुआ है और जो अच्छे से काम हुआ है, मतलब मैं बोल सकती हूँ गाइस, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस फ्रॉम गोवा टू दिल्ली। दिल्ली में बहुत काम हो जाती है, लोग तुरंत तुरंत कर लेते हैं, जो गोवा में हम लोग को एक्सपीरियंस करने को नहीं मौका मिला था। एंड दिस इज माई लिविंग रूम, आप देख सकते हो आधे सामान अनपैक हो चुके हैं। यहाँ पे विस्की, फाइनली फीलिंग होम कि उसके सामान आ गए, सोफा मिल गया, बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है। एंड काफ़ी कोऑपरेट भी किया पूरे अनपैकिंग एंड अनलोडिंग में। यहाँ पे ये फर्नीचर, ये देखो सारे खुल गए हैं, ये तो मेरे सारे कुशंस है, और ये सब देखो अनपैक हो गए हैं जो पहले हम लोग को नहीं मिला था। एंड किचन भी थोड़ा सा अभी आपको मैस दिखेगा, क्योंकि मैं काफ़ी हद तक ना ये सारे चीज़ें अरेंज कर रही हूँ। हार्डली इट विल टेक मोर 2 आवर्स और मेरा किचन भी एकदम सेट हो जाएगा और रनिंग कंडीशन में आ जाएगा। सारे वॉशरूम्स अर्बन क्लैब से बुला के मैंने क्लीन करवा दिए हैं, एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन। इस रूम में हम लोग जो रात को स्टे किए थे, ये भी क्लीन एंड डस्टेड। ये जो रूम है, जो गेस्ट रूम होने वाला है, इसमें ही मैंने सारा सामान कार्टन रखा हुआ है, ताकि मुझे इसे आराम से मैं क्लीन कर पाऊंगी, कोई हड़बड़ी नहीं है। एक ही रूम में डंप है, एक एक करके मैं सारे चीज़ों को अनबॉक्सिंग करूंगी। दिस इज माई मास्टर बेडरूम, जो अभी हमारे जो बेड इंस्टॉल करने वाले हैं वो आ जाएंगे। दिस आई गॉट रिसेंटली फ्रॉम पेपरफ्राई, हमारा अपना नया बेड जो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ मैट्रेस आ चुका है, इधर मेरे कुछ ट्रंक्स रखे हुए हैं, वो धीरे धीरे अनपैक होगा। वहाँ पे वॉशिंग मशीन भी लग चुका है, वहाँ पे थोड़ा सा पाइपलाइन का काम है, और वॉशिंग मशीन भी ऑल फंक्शनल कंडीशन में आ जाएगा। आप मौसम बाहर का देख सकते हो, धूप आ गई है, फीलिंग सो हैप्पी। थोड़ा सा कोहरा जो था वो क्लीन हो गया है। एंड यहाँ पे मेरे सारे जो पौधे हैं, नहीं बोलूँगी बहुत अच्छे कंडीशन में है, शॉक्ड में है, बट थोड़े बहुत तो अच्छे हो गए हैं। देखो यहाँ पे ये सब टूट गया है, ये सबको थोड़ा सा ट्रिमिंग करने से हो सकते हैं अच्छे कंडीशन में। धूप भी मैं यहाँ पे सेक सकती हूँ, क्योंकि ये जो फेसिंग है ना, दिस इज साउथ फेसिंग, और धूप हमेशा आएगी। उस साइड में ईस्ट है, इस साइड में वेस्ट, और ये है साउथ, तो धूप हमेशा आएगी। हम लोग इतनी जो ठंड हो रही है ना, उससे हम बच सकते हैं। सो हैप्पी टू बी बैक होम, सो हैप्पी वापस से अपने चीज़ों को देखना, घर वाला फीलिंग आना। हम लोग पिछले एक हफ्ते से थोड़े से ट्रबल में चल रहे थे, मतलब 17 तारीख से मम्मी, मतलब पेरेंट्स चले गए थे इन लॉज, उसके बाद से कुछ अता पता नहीं था हमारे ठिकाने का, तो अभी फिलहाल अच्छा लग रहा है, चलेगा। आज का दिन पूरा व्लॉग करूँगी, आगे देखते हैं क्या हो रहा है, कितने हद तक मैं और समेटना कर सकती हूँ, बट आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस व्लॉग। ऑल्सो गाइस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेंशन करना, अभी फ़िलहाल हम लोग लंच कर रहे हैं, और पता है आपको लंच किसने दिया है? जब मैं दिल्ली में रहती थी ना, जो हम मेरी हाउस सेल्फ थी, जो विस्की का पूरा ध्यान रखते थे, उनके साथ मैं कम्प्लीटली कॉन्टैक्ट में थी। एंड मेरा दिल्ली वापस आने का प्रे जितना जितना वो किए हैं, शायद ही कोई किया होगा। और उन्होंने हमारे लिए लंच भी भेजा है, मेरे लिए, जनत के लिए, विस्की के लिए भी। तो यहाँ पे देखो पूरी सब्जी है शायद, और ना उनके हाथ का बना हुआ अचार, जो हम लोग को बहुत पसंद है, वो अचार आम का भेज दिए हैं। ये होता है एक्चुअली ना, अगर आप किसी के साथ, मतलब वो बॉन्ड मेंटेन करो ना, उनका प्यार दिखता है। उनका बेटा आया हुआ था जो हमें हेल्प किया अनपैकिंग करने में, ये सारा जो आज इतना काम हो पाया ना, ऑल थैंक्स टू आवर पैकर्स एंड मूवर्स। बहुत ही अच्छे बंदे थे जो अच्छे से अनपैकिंग कर लिए। इवन जो मैं अर्बन क्लैब से भी सर्विसेज ली थी, उन लोग भी बहुत हद तक ना आधा अनपैकिंग उन्होंने किया, सामान को साइड करके साफ सफाई करके गए। एंड तिलक, जो हमारी हाउस दीदी की बेटा है, अनिता दीदी का बेटा है, वो भी, तो इन सबको स्पेशल मेंशन मैं करना चाहती हूँ, बिकॉज ऑफ देम ये काम इतना आसान हो पाया। एंड देखो दीदी ने मसाला पूरी भी भेजा है, और यहाँ पे सब्जी, मतलब हम लोग घर का खाना खाएंगे आफ्टर सो मेनी डेज। एंड इसकी भी यहाँ पे आ गया है,
हम लोग यहाँ पे आराम से बैठ के नीचे में खाएं। बेड इज ऑल रेडी, कर्टन्स लगाने का टाइम है, तो थोड़ा हमारा बेडरूम वाला पार्ट रेडी हो जाएगा। पापा, अच्छा अम्मा, हाय कुहा, हाय।